भीड़ देखो कतई भयंकर। लद्दाख वाला सा माहौल हो रहा है गाइस, फूटी हुई रोड, सामने पहाड़, इधर सूखा। ओके जी, आज का आउटफिट मस्त लग रहा है। दिवाली सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका था और नेक्स्ट डे हम सभी लोग, मैं, मेरा भाई, उसके दोस्त लोग सभी गए थे सारस बाग। यहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगह से आते हैं एंड गेट टुगेदर करते हैं। वहाँ पर चारों तरफ इतनी क्राउड था जस्ट यू कैन सी, और इतने लोग आए हुए थे सेलिब्रेशन करने के लिए। चारों तरफ से रोड जाम, ओनली क्राउड ही क्राउड, जहाँ देखो वहाँ पर आपको क्राउड दिखेगा। सभी लोगों ने वहाँ पर कैंडल्स दिलाए, पटाखे फोड़े, देन ब्रेकफास्ट करके हमारे घर वापस आ गए नेक्स्ट डे। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो एज वी सेड, वी आर इन पुणे एंड हमारे पास है हमारे भाई की NS 200। और अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे नियर बाय पड़ता है, तो अभी हम उसको दर्शन करने जा रहे हैं। एक तो हम दर्शन करके आ चुके हैं जो कि उज्जैन में था। उज्जैन में एक्चुअली दो हैं पर नहीं हुआ उस दिन जाने का तो नहीं जा पाए, तो अभी हमारे पास मौका है जाने का। तो अभी हम, मैं और मेरे भाई जा रहे हैं साथ में। अभी हम जस्ट निकले हैं, टाइम इज 12 एंड 101 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, तो होप सो 2-1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और यहाँ की रोड भाई साहब, क्या रोड है, एकदम मक्खन रोड के मज़े हैं। तो अभी हम निकल गए हैं, अभी गाड़ी में पेट्रोल भराना है और निकलना है, बस इतना सा काम है। तो आप व्यू देख सकते हो क्या मस्त नज़ारे हैं, और ऊपर से हमारी फेवरेट बाइक हमारे साथ में है और भी मज़े आएंगे। चलिए जी थोड़ा भगा के देखते हैं ताकि थोड़ा यूज टू हो जाए गाड़ी के साथ। मुंबई 155, 117, 104, कोल्हापुर 226, बेंगलोर 830 किलोमीटर लग गई अब तो। चलिए जी थोड़ा आगे रास्ता कवर करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। लुक एट द हाईवे, 4-lane हाईवे, दोनों साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आई लव दिस प्लेस। क्या मजा आ रहा भगाने में गाइस। अभी जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहां पर रुक के पेट्रोल भरा लिया जाएगा। ओके पेट्रोल की टंकी फुल, ट्रिप जीरो कर दी है। GSPM इंस्टीट्यूट, पावर का पेट्रोल डाल के गाड़ी भी चलेगी हमारी पावर में।
ओके जी, देव रोड पहुंच गए हैं अभी हम। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा साइड में है, सीधा सीधा जाएंगे तो लोनावला आ जाएगा, पर हमको लोनावला नहीं जाना है ना। ओ ये ओके, बेस कैंप। तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से लेफ्ट ले लिया है हमने, अभी हम जा रहे हैं। देहु रोड है पूरी, इस पर लगभग अभी हमारी जर्नी 70 किलोमीटर की और बची हुई है, और टोटल 115। ओके गाइस, लुक एट द पूरा गांव वाला फील, आई लाइक इट गाइस। मस्त खेती खेत, आराम से शांति से रहो, और शांति से रहने दो लोगों को। यहाँ की मिट्टी काली है, काली मिट्टी में फसल अच्छी होती है, चिकनी मिट्टी है ना इसमें। अभी हम लोग कब से देव रोड में घूम रहे हैं, इधर गली, ब्रेकर, दिमाग खराब हो गया, इतने ब्रेकर तो पूरी रोड पे नहीं थे। तेरे यार भी तो दिक्कत ना, हमको 50 किलोमीटर के आसपास हो गए लगभग। ओ बैठे, पहाड़ तो देखो, मस्त पहाड़, काफी बड़ा है। कब से इंडस्ट्रियल एरिया चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। बाइक भी परेशान होगी, भगा लो, क्या तो रोक दो, क्या तो भगा लो। हर किलोमीटर पे ब्रेकर। अब बम दुखने लग गए। हो, तगड़ी रोड आ गई भाई जी, और बम तो कतई दुखने लग गया है। पानी वाला डांस, हम अभी घाट के अंदर सफर कर रहे हैं, कभी इधर 40 किलोमीटर और बचिया मात्र। मस्त है छोटी सी झील, लद्दाख वाला सामान हो रहा है, टूटी हुई रोड, सामने पहाड़, इधर सूखा। वेरी डेंजरस रोड, हम इतनी देर से सोच रहे हैं पानी ब्रेक ले लें, पर क्या ढंग की जगह नहीं आ रही। रुक जाए थोड़ी छाया हुआ में, ज्यादा टाइम जाएंगे हम दूसरे रास्ते से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो हो, घाट स्टार्ट हो चुका गाइस, सेक्सी घाट। घाट के आजू बाजू खेत ही खेत, ये मुर्गी ने एक गाना रिपीट में चला दिया, दिमाग खराब हो गया मेरा सुन सुन के। तो फोन मेरा उसके पास ही है। दिस इज कॉल्ड महाराष्ट्र विद हरियाली। ओके, वेरी ओके।
आजा तो यही रास्ता है वापस आने को भी। एक और है वो वापस से लोग गाड़ी से आ रहे हैं। निकाल ले निकाल ले। निकल मत कर। तेल करना है अपना बिट्टू वाली गाड़ी सुंगा सुंगा ये तेल खा कर कंजूस है भी। क्या देखिए एकदम से खत्म होगा दो तीन घंटा का। ओ भाई साहब मस्त खा रहा। अच्छा मस्त धान की खेती हो रखी है कि धान है कि चावल है समझ ही नहीं आ रहा। उगा हुआ भी है काट भी रखा है लावणी भी चल रही है और मस्त मस्त घाट आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं अभी भी 8-9 किलोमीटर और है। हमारी लोकेशन पहले ही ख़त्म हो गई।